खुशामदीद नाजरीन, शार्प इंडियंस न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, हर आए दिन शहर में रॉडी शीटर्स के बढ़ते हुए आतंक से मासूम आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हर आए दिन इलाक़ों में रॉडी शीटर्स, गांजा वाइटनर का नशा करने वाले अफराद की हंगामा आराइयों से आवाम में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बिलखसूस हबीब नगर व आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। गुज़िश्ता रात भी रिजवान नामी रॉडी शीटर ने, उसकी वाइटनर गैंग ने हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत मोइन चाकना करी पॉइंट के मालिक को मामूल ना देने पर हमला कर दिया। मुतासरा सलमान का कहना है कि पहले पहल ये शरपसंद लोग अक्सर इनकी दुकान पर आकर यहाँ से बिना पैसे अदा किए खा रहे थे। बढ़ते बढ़ते उनकी हिरासानियाँ मज़ीद बढ़ गई और अब ये लोग उनसे मामूल तलब करने लगे हैं। मांगर बस्ती से बदमाशों का एक ग्रुप मल्लेपल्ली के ताजिरों को भत्ताखोरी के लिए धमकियां दे रहा है। हबीब नगर पुलिस को चाकना दुकान के मालिक से शिकायत मौसूल हुई। बदमाशों ने खबरदार किया है कि अगर इन्हें पैसे ना मिले तो वो दुकान के मालिक के तीनों भाइयों को कत्ल कर देंगे। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मोइन चाकना बोल के है हमारी, वहाँ पर हमारे भाइयों को अटैक कर दिए। तीन जने आ गए, हमारे सलमान भाई को बहुत मारे, चाकू बताया। हम रात भर नहीं सोए, पूरे फैमिली रात भर सो नहीं पाए। मेरे भाई को बहुत मारे हम लोग, चाकू बताया। पूरे पांच जने हमारी बस्ती में आ गए, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। हम ये पीएस में भी आए, वो पीएस में भी कम्प्लीट करे, दोनों पीएस में कम्प्लीट करे हम लोग। पुलिस ने सपोर्ट तो करे हमें अभी कम्प्लीट, फिर हम लोग दोबारा आगे करे। हमारी माँ बाप पूरे रात और नहीं सोए, हमारे भाई को बहुत ज़्यादा मारे। पैसे दियो, हफ्ते उसी दियो, 5-5 हज़ार रुपये बोल के बोले, नहीं देते बोले तो ऐसा अटैक करता तुम लोग के ऊपर, तुम्हारे तीनों भाई को मर्डर कर देता हूँ बोल के उन लोग एकदम आके तीन चार जने हैं पहले मार के चले गए। हम लोग आके कम्प्लीट करे, उसके बाद कम्प्लीट करके हम लोग 10-15 मिनट हुआ शायद, 25 जने फिर आए, फिर आके हमारे पूरे बड़े भाई को पूरा घेर लिए, घेर लेके उनको धमकी देना शुरू कर दिए। अगर तेरे यहाँ कारोबार करना है तो कम्प्लीट वापस ले ले, नहीं तो तुम तीनों को ये मर्डर कर देता हूँ। मैं जाके भी आया, हमने कमने वाले तो है, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है भाई, मेरा मतलब पहले मोहित छागना है भाई। अचानक रात में मेरे पर अटैक हो गया, मेरे छोटे छोटे के ऊपर आके पिछाकू से डराया करके कैमरा देख के लोग क्या करे, कैमरे के सामने नहीं करके क्या करे, बाहर लाए, बाहर पार्किंग प्लेस है मेरा, पार्किंग प्लेस में कैमरा वर्क लोगों ने मालूम है तो वहाँ ला के उसको गर्दन में मारना शुरू कर दिए। अब उन्हें मार, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले उसको ऐसा कपड़े उतार के छेड़ा बहुत उतार के उसको छाकू बता दिए, उसको डरा दिए पहले से, तो ना हम उस मारा वारा खा लिए। तो बोला ठीक है, बोल के क्या करा, फिर मैं हुमायूं आपसे आसिफ नगर पे अपने हबीब नगर पीएस में आके कंप्लेंट डाला। हमें कंप्लेंट डालने के बाद में फिर उन्होंने रात में 12:30 बजे दुकान बंद करने के टाइम पे उन्होंने क्या करे, सीधा बोले तो 125 जनों को ले लेके आए मांगड़ बस्ती से। आगे मेरे को वार्निंग दे रहा है क्या बोल के, एक कैसे आना बोल के मांगड़ बस्ती का देना, पूरा मांगड़ बस्ती का उन्हें रावड़ी छिड़ा रहेगा तो बदला उन्हें। तो उन्हें मेरे को क्या बोल रहा आगे, तेरे को कारोबार करना या नहीं करना, अगर कारोबार करना है तो केस वापस ले ले, अगर नहीं करना है तीनों भाई है ना, तो ना तीनों भाई को भी मर्डर कर दो, क्या हो करना हो खा लो बोलो, कुछ भी नहीं कर सकते हमारे को। पुलिस वाला भी क्या करते हैं, बहुत सी बात जेल को भिजाते फिर छोड़ के आते हम, फिर आगे मर्डर कर दो कैसा है तुम्हारे को, कारोबार नहीं करने दो तुम। अब देखो भाई हमारी गुजारिश है कि आप लोगों से ये जस्ट ये जरा ये कार्रवाई करना जरूरी है। रेवेजिटी साहब से मेरा गुजारिश है साहब, ये आपकी हुकूमत में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे गुजारिश है अगर हम मेहनत कर रहे हैं अगर नहीं खाएंगे तो कैसा करेंगे। आजकल लोग जो चोरी डाकैती कर रहे हैं उनके ऊपर के उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर चोरा तकलीफ जो भी हो रहा। ये कई गुआ बोला तो हमारे पास उन्होंने 3-4 महीना पहले से चाकना उना खाने खा के जा रहा था, फ्री में खा रहे थे ना, तो इसके बाद में उन लोगों को आदत पड़ गया, आदत पड़ गया ना क्या बोले बोले तो भाई हमारे को हफ्ते को 5,000 रुपये कमीशन देना पड़ेंगे, अगर आप 5,000 रुपये कमीशन नहीं देंगे बस्ती में से डेली 2 से 3 जनों को भेजा दो दुकान में, डेली हंगामा करा दो, एक ने एक को माना लगा दो। इसके बाद में नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा तीनों भाइयों को मर्डर करना लगा दो, एक का नाम है रिजवान लाला है, एक का नाम मोटा लक्ष्मण है और एक का नाम नेमालम, और इसमें जो है ना बस्ती का पूरा यंग पूरा टीम बने हुए पूरे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से कारोबार है मेरा, मेरे पास कस्टमर पूरा दूर दूर से खाने के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से कारोबार जमाया भाई में, पूरे हमारे माँ बाप की हमारे बहनों की सपोर्ट है उसमें, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग कैसा जीएंगे बोलो, आजकल गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर रहे इन लोगों के ऊपर, सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को भाई। रात में मैं कंप्लेंट देने के बाद में उनको ऑप्शन लेना था, ले लिया उन्होंने ऑप्शन, उन्होंने मेरे को पीछे कर लेते मेरा घर तक आ गया, मेरे घर तक आ गया मेरे को मर्डर करने का से। अब मैं क्या बोल के करूँ बोलो, मेरा घर आसिफ नगर विजयनगर कॉलोनी में,
आज सुबह होटल का ना मेरा घर दुकान मल्लेपली में, अब यहाँ से मेरा घर तक पीछे गली तक आ गया। बोलो अब मैं क्या बोलो, मैं अब मर्डर करना बोलो तो मैं कारोबार ना करूँ, मैं ये सब भीख मांगे खाऊंगा बोलो साहब। आज के भीख वाला को तो इज्जत होगा, कारोबार करने वाला इज्जत नहीं है साहब। अब कैसा करना बोलो आप लोग, कुछ बोलो बोलो मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं बोलो 25 जने पूरे सामान वाना के साथ आए, मेरे पास पूरा वीडियो है, पूरा सीसीटीवी कैमरा है मेरे पास, और ना चाकवा ले लेगा, कमर में चाकवा ले लेगा, डिक्की में बोला स्टिकी ले लेगा, पूरा वो सेना आता ना तो सेना होना पूरा ले लेगा, पूरा गली भर गया पूरा उन लोगों का, पूरा रात भर मेरे घर पे ना चार पांच जने ऐसे टाइम में हाथ एक ही पास हाथ में चाकू था, चाकू बता के जा रहा क्या कर लेता देखो तुमला क्या, सुबह तक अगर कैश वापस नहीं लिए तो मर्डर करना लगा तो बोल के सीधा सीधा सा वार्निंग दे रहा, तब हमला कारोबार नहीं करना है क्या साहब। बोलो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 जने का पेट चलता, अब किसी का गरीब का पेट चलता बोलो तो क्या पेट में लात मारना क्या बराबर बोलो, ये हम भी शोर बन जाना है, डकैत बन जाना है, हम भी राउड शीटर बन जाना क्या बोलो। आप जो राउड शीटर की इज्जत आजकल वो सीधा आदमी की इज्जत ही नहीं है, जो मेहनत करे खाने वाले को उससे कोई इज्जत ही नहीं है साहब। तो क्या करना मेरे को बोलो, या खुदकुशी कर लो, हफ्ता नहीं दिए तो मर्डर कर दो बोल के बोल रहे। अब हमारा अम्मा शुगर पेशेंट है, रात से हमारा अम्मा हॉस्पिटल में, अब उसकी जिम्मेदार कौन है बोलो, अब कुछ भी नहीं कर रहे गवर्नमेंट, क्या करेंगे बोलो, मर जाना क्या, खुदकुशी करना क्या बोलो मेरे को। पुलिस वाले क्या बोले, पुलिस वाले को कंप्लेंट देने के बाद पुलिस वाला आगे करके चले गए ना, वो पुलिस वाले के सामने क्या बोला देख लेता हूँ करना, आजकल पुलिस वाला को भी नहीं डाल ना, आसिफ नगर वाला को नहीं दिया, हुमायूं नगर वाला को दिया है जाके, हुमायूं नगर वाला बोले पहले बैठ पहले जाओ आपका हबीब नगर का लगता है लिमिट दुकान का, दुकान से शुरू होना आपका, पहले दुकान से शुरू होना दुकान।